गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल कौन है? अच्छा वो ला दीजिएगा। अटेंडेंस रजिस्टर दिखाइएगा टीचर्स का। कितने टीचर्स हैं आपके यहाँ? मैम हमारे यहाँ पे 11 परमानेंट टीचर्स हैं और 9 हमारे कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं। तो ये कहाँ पे हैं निर्मला मीना जी? ये मैम सीसीएल पे चल रही है। ओके रेणु सांवरिया जी? मैम ये इनका मैसेज आया हुआ था कि आज इनकी तबीयत ठीक नहीं है। ओके सरोज मीना? मैम ये कंपनसेटरी लीव पे है। अनु डबास? मैम ये सीसीएल पे गई हैं, आज से इनकी सीसीएल है। दिखाइए जरा इनकी एप्लीकेशन। रेखा गुप्ता? मैम रेखा गुप्ता नहीं आई है, इनका रेड मार्क लगा है। क्या टाइम पहुंचना होता है टीचर्स को? मैम 7:45 का टाइम है। 7:50 तक पहुंच जाते हैं। 7:50 तक मतलब मैंने बोल रखा है कि 7:45 का टाइम है। 7:50 से कोई भी लेट नहीं होगा, मैंने बोल रखा है। ये कहाँ है शुभलता डबास? मैम ये आज लीव पेन का मैसेज है। गायत्री कुमार? गायत्री कुमार का अभी मैम कोई मैसेज नहीं आया है। मैं वही देख रही थी कि किस किस का मैसेज आया। गायत्री का कोई मैसेज नहीं। अंजलि? अंजलि मैम मैटर्निटी लीव पे है। कंचन? कंचन अभी नहीं आई है। मैडम ये क्या है स्कूल के हालात आप मुझे बताइए। मैम बस मैं आके बस अभी बाहर बच्चों को करके और अभी स्कूल स्टार्ट करवा। मुझे बताइए आपके 19 टीचर्स में से 4 टीचर्स गायब हैं, मतलब इतने टीचर्स लीव पर हैं, बाकी टीचर्स एब्सेंट हैं। तो ये आप मुझे बताइए कि टीचर्स को, इतने सारे टीचर्स को एक टाइम पे लीव कैसे मिल जाती है? एक मैम कुछ तो जैसे एकदम से अर्जेंट बेसिस पे लीव। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ऑलरेडी आपकी एक टीचर सीसीएल पे हैं, कोई इस लीव पे है, कोई उस लीव पे है, तो आपने एक नए टीचर को सीसीएल के लिए कैसे रिकमेंड कर दिया? कितने टीचर्स हैं आज आपके स्कूल में, मुझे ये ज़रा चेक कर टोटल बताइए कि आउट ऑफ 19 टीचर्स जो आपके पास हैं एक्चुअली स्कूल में प्रेजेंट कितने हैं? लिख दीजिए। तो टोटल आपके 19 टीचर्स हैं ना? 19। अब आप मुझे बताइए अभी स्कूल में आपके कितने टीचर्स मौजूद हैं? 7 + 3 10। बताइए आपके आधे टीचर्स प्रेजेंट हैं स्कूल में, कैसे चलेगा आपका स्कूल? देखिए आपकी जिम्मेदारी है स्कूल चलाना, ऐसे कैसे कोई भी अर्जेंट मैसेज दे देगा जब आपके यहाँ? तो आप डिपार्टमेंट को कहिए कि टीचर्स को ना दें सीसीएल, ना दें लीव। फिर स्कूल टीचर्स के लिए नहीं चलता, स्कूल बच्चों के लिए चलता है। 50% टीचर्स सिर्फ आपके प्रेजेंट है स्कूल में। कितने बच्चे हैं आपके यहाँ? 853 बच्चे हैं। अटेंडेंस दिखाइए कितनी है आपकी पिछले कुछ स्टूडेंट अटेंडेंस? yes. 30 और 93। इतनी लो अटेंडेंस क्यों है यहाँ पे? मैम एक्चुअली थोड़ा सा सर्दी का मौसम आ गया तो जैसे मतलब कुछ मैंने टीचर्स को बोला भी है इस बारे में, तो टीचर से बात। 34 में से 19 बच्चे प्रेजेंट हैं, बच्चे क्या सीखेंगे? 56 में से 30 बच्चे प्रेजेंट हैं। बताइए मैं क्या मानूँ उसको? अगर किसी की क्लास में 34 में से 18 बच्चे आ रहे हैं, 41 में से 16 बच्चे आ रहे हैं, तो हम क्या एफर्ट माने इसको? ये किसकी क्लास है? सेकंड सी। किसकी क्लास है ये? मैम ये टीचर मैटरनिटी लीव पे है, कॉन्ट्रैक्ट टीचर है ये मैटरनिटी लीव। तो इनकी क्लास को कौन देख रहा है? मैम इनकी क्लास मैंने हाफ ऑफ कर रखी है। हाफ इधर हाफ मैंने सेकंड ए के टीचर को दे रखी है, हाफ मैंने सेकंड बी के टीचर को। ऐसे हाफ ऑफ डिवाइड कर जब आएंगी वापस। तो फिर इनको बुलाइए, फिर या तो ये जवाब देंगे इतनी लो अटेंडेंस क्यों और यहाँ पे आधे बच्चे आपके पास हैं। आपको इस बात की कोई चिंता नहीं है क्या? आपको भी इस बात की कोई चिंता नहीं है? मैं टीचर्स को बोलती हूँ। नहीं बोलने से क्या होगा मैडम? प्रयास करते हैं। नहीं क्या प्रयास कर रहे हैं? यहाँ तो आप कह दीजिए कि हमारे टीचर्स की योग्यता नहीं है। बताइए और क्या समझूँ मैं? बताइए लिस्ट दिखाइए आप क्लास की, बताइए कौन से बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? अटेंडेंस रजिस्टर निकालिए इनका, क्यों नहीं आ रहे हैं बच्चे? मैक्सिमम आती है इस टाइम। अक्टूबर में नहीं आई, नवम्बर में नहीं आई, लंबे समय तक। आप कैसे कह रही हैं कि रेगुलर है? आप देखिए अक्टूबर में ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छुट्टियाँ हैं उसकी एक महीने में। आप उसको रेगुलर मान रही हैं? हाँ जी, ये क्यों नहीं आ रहा है? लॉन्ग एब्सेंट है। कहाँ पे है? शान अली। ये बीमार चल रहा है, इसकी बहन बीमार है और तो इसके पेरेंट्स गांव में गए हुए हैं, इसके बहन को पैरालाइज हुआ है। आप मुझे बताइए, एक हफ्ता गायब, एक हफ्ता आया, फिर एक हफ्ता गायब। हम वही कह रहे हैं कि उनके ना अगर वो गाँव में है या तो वो गाँव में है, मैं अगर बच्चा दिल्ली में है या गाँव में है एक ही चीज़ होगी ना। मैम बीच में आए हैं और फिर से चले गए हैं। ये बच्चा बताइए रौनक, हाँ तो 7 दिन क्यों लिए छुट्टी? पेरेंट्स नहीं भेजते, उनसे बात होती है तो वो यही कहते हैं कि हम मैम भेजेंगे भेजेंगे एंड लेट हो जाता है बच्चा कई बार इस वजह से, वरना तो ये बच्चे ये क्या स्कूल चल रहा है मैडम? और जो दूसरी जो आधे बच्चे हैं दूसरी क्लास के, हाँ। जो आपके पास हैं वो कौन से हैं? 2C के। इसमें से कितने बच्चे आपके पास हैं मैम? 20। कौन से 20? फर्स्ट 20। हर्षित? हर्षित मैम आया है, कभी आता है कभी छुट्टी। हाँ हर्षित से पूछ रही हूँ। हाँ जी आया है, पर मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर कोई बच्चा आधा टाइम एब्सेंट रहता है तो आप क्या करते हैं? मैम इनके पेरेंट्स से बात करती हूँ। आपके यहाँ सफाई कितने बजे होती है? सफाई कर्मचारी कितने बजे आते हैं? 7:30 का टाइम है। बताइए मैडम, किसी के भी सफाई करने के बाद भी ये हाल है? नहीं, आपने बोला है का क्या मतलब होता है? ये तो अभी हुई है सफाई मेरे आने के बाद, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि मैं स्कूल के अंदर आई हूँ तो अभी आके सफाई करके गए हैं, और उसके बावजूद भी गंदा है। मैंने इनके बारे में लिख करके दे रखा है। बस आपका काम है लिख करके दे देना। मैंने इनको बोलती भी बस आपका यही काम है लिख करके। कितने सफाई कर्मचारी हैं? मैम एक ही सफाई कर्मचारी है तो मैम इनको बोलती भी। कितने बजे आना होता है उसको? मैम इनका बच्चों के आने से पहले टॉयलेट नहीं साफ करना होता क्या? तो फिर आप कितने बजे आती हैं स्कूल में? तो आप क्या देखती हैं फिर? इनको बोलती हूं टाइम टू टाइम। अभी ये साफ करके गए हैं, उसके बाद कितनी गंदगी है टॉयलेट्स में, यूज़ करने लायक नहीं है किसी के। आप अपने बच्चों को ऐसे भेजेंगे? आप ऐसा खुद टॉयलेट यूज़ करेंगी? बताइए, सफाई करने के बाद ये हाल है इस टॉयलेट का। अगर आप प्रिंसिपल हैं स्कूल की और अगर आप इस स्कूल को हेड कर रही हैं और अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो छोड़ दीजिए आप इस पोस्ट को। देखिए क्या हाल है। ये देखिए, ये सफाई होने के बाद हाल है ये सब। अभी सफाई करके गई हैं वो, ये तब गंदगी जमी हुई है। और ये सफाई अभी मेरे स्कूल में आने के बाद हुई है। ये तो गंदगी जमी हुई है कब से, ये सब टाइलों पे देखिए नीचे, ये सब गंदगी जमी हुई है। ये ऐसा तो नहीं है कि आज की गंदगी है। अगर आपके पास एक सफाई कर्मचारी भी है तो अगर आप अलग अलग दिन स्कूल का अलग अलग हिस्सा साफ कराएंगे तो स्कूल साफ रहेगा। नहीं तो अगर दैट मीन्स या तो आप ये कह रही हैं कि आपकी बात नहीं सुनती हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। आपके साथ बिजी हो गए ना तो अरेंजमेंट निकालना जल्दी जल्दी। यहाँ पे लाइट कहाँ है? मैम अंदर से गलती है ना। नहीं, आपकी मैम नहीं आई तो लाइट क्यों नहीं आई? हमारी मैम के पास चाबी है। और साथ में मैंने क्लास के लिए राजकुमार सबको बोल दी थी। 1 सेकंड का टाइम। गुड मॉर्निंग। कौन सी क्लास है ये? मैम 2A एंड 2C हाफ। अच्छा ठीक है, क्या करवा रही हैं आप? मैम अभी तो अटेंडेंस ले रही हूँ। हाँ, उसके बाद मैं FLN का करवाऊँगी, अल्फ़ाबेट साउंड्स। ओके ठीक। हाँ जी ठीक, थैंक यू। साफ़ सफाई नहीं होती क्या? आपका नाम क्या है? मैम निशु यादव। या आप लोगों के स्कूल में सफाई नहीं होती है क्या? बताइए। हाँ जी, आप क्लास टीचर हैं यहाँ की। हाँ जी मैम। तो इसको सफाई करवाना भी आपकी जिम्मेदारी बनती तो है ना? तो फिर गुड मॉर्निंग। अभी किस चीज़ की क्लास है? आप अपनी कॉपी दिखाओगे? हिंदी की कॉपी है आपके पास? नहीं है। हाँ जी, कल क्या पढ़ाई हुई थी? हाँ जी, कल आए थे आप तो कल क्या पढ़ाई हुई थी? हाँ, ये लिखा नहीं था। अच्छा, क्या कर रहा था ये क्लास में? बैठा था पर लिखा नहीं था इसने। कोई बात नहीं, दिखाओ आप। दिखाओगे? आपने करी थी पढ़ाई? हाँ जी, अच्छा ठीक है बेटा। आप भी अपनी कॉपी दिखाओगे? इसकी भी ले लूँ? मेरा दोस्त है। ये आपका दोस्त है? अच्छा, आइए मैडम। आइए मैडम, 80% बच्चों की कॉपियाँ खाली हैं, कुछ नहीं है इसकी कॉपी में। इस बच्चे के पास एक कॉपी है और वो खाली पड़ी है। क्या करवा रहे हैं आपके टीचर? इस बच्चे को पता नहीं है कि कल क्या पढ़ाई हुई थी। इसने कहा कि मैडम ने कहा किताब से उतार लो, मैंने उसे पूछा है क्या है, उसको पता नहीं है। आपने कभी कॉपीज चेक करी हैं स्टूडेंट्स की? बच्चों की कॉपियाँ खाली पड़ी हैं, हर स्टूडेंट एक एक कॉपी लेके आ रहा है जिसमें कुछ नहीं है। 22 तारीख के बाद इस बच्चे की कॉपी में कुछ नहीं है। आज क्या तारीख है? आपके पास हर चीज़ का रीज़न है, बस ये आपको नहीं पता है कि आपके टीचर आते क्यों नहीं है, आपके टीचर पढ़ाते क्यों नहीं है। 6 महीने में आपके स्कूल के सारे बच्चों की कॉपियाँ खाली पड़ी हैं। मुझे तो पता नहीं था ना कौन सी क्लास में कौन सी टीचर है। मैं पहली क्लास के अंदर घुसी, पूरा अंधेरा था, बच्चे अंधेरे में बैठे हुए थे, लाइट तक नहीं ऑन थी उस क्लास में। मैं दूसरी क्लासरूम में घुसी, बच्चों की कॉपियां हफ्तों से खाली पड़ी हैं। ये मजाक चल रहा है क्या? क्यों भेजते हैं ये बच्चे? तो आपने बोला था, तो फिर क्या हुआ उसके बाद? मैंने मैम को बोला। तो आपका मतलब है मैम आपकी बात नहीं सुनती हैं? अनीता नौटियाल जी को कॉल करिए। हेलो, हाँ जी मंडल जी, मैं मुनीरका गाँव के आपके स्कूल आई हुई हूँ। आधे टीचर स्कूल से गायब हैं, 19 में से सिर्फ 10 टीचर स्कूल में मौजूद हैं। कोई CCL पे है, कोई मेडिकल लीव पे है, कोई आया नहीं है। ऐसे स्कूल कैसे चलेगा? मैं क्लासरूम में जा रही हूँ, सारे बच्चों की कॉपियाँ खाली पड़ी हैं। ये मिशन बुनियाद के नाम पे मजाक कर रहे हैं हम। आप लोग हेडक्वार्टर में बैठे बैठे पॉलिसी पे पॉलिसी बनाते रहते हैं और ग्राउंड पे ये हाल है। अगर 19 में से 10 टीचर मौजूद होंगे एक स्कूल में, हम कैसे दे रहे हैं इतने टीचर्स को छुट्टियाँ? हम इतने टीचर्स को लीव कैसे सैंक्शन कर सकते हैं एट अ टाइम? आप तुरंत DD को इस स्कूल में भेजिए और इंचार्ज पे एक्शन लीजिए। मजाक बना रखा है। 900 बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं हम। गुड मॉर्निंग मैम। कौन सी क्लास में बच्चे आप? 3rd B। अभी किस चीज़ की क्लास चल रही है? मैथ्स की। आप आए थे कल स्कूल? दिखाओ जी कल क्या पढ़ाई हुई थी। ये किसकी कॉपी है? मेरी कॉपी है। आपकी कॉपी है? आप दिखाओगे कल क्या पढ़ाई हुई थी? मैं रख लूँ मेरा कॉपी। अब मम्मी कॉपी दिखाओगे एक मिनट। ये है बच्चों की कॉपियों का हाल। उनके मैम पेरेंट्स को भी मैंने कई बार बोला है। और सर सवाल ये, आप क्या करवा रहे हैं क्लास में? सारे बच्चों की कॉपियाँ खाली हैं, 2nd स्टैंडर्ड में खाली हैं, 3rd स्टैंडर्ड में खाली हैं। ये मजाक बना हुआ है क्या? किस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं आप लोग? बच्चे आधे से ज़्यादा स्कूल में एब्सेंट, टीचर्स आधे से ज़्यादा स्कूल में नहीं है। होना ही है ये, जब कोई टीचर ही नहीं है, जब बच्चे ही नहीं आ रहे, उनकी कॉपियाँ तो खाली होंगी। दिखाइए अटेंडेंस अपना, वो दिखाइए जो आप सुबह दिखा रही थी। ये बच्चे गायब हैं, ये गायब हैं, ये गायब हैं। एक दिन के लिए आ रहे हैं, एक दिन के लिए एबसेंट, 2 दिन के लिए आ रहे हैं, फिर 4 दिन के लिए एबसेंट। ये छुट्टी पड़ गई थी ना मैम, उसके बाद बच्चे क्या करते हैं कि एक दिन से आते नहीं हैं। मैडम आपके स्कूल के हालात बहुत ख़राब हैं। ना आपके स्कूल में सफाई है, ना आप सफाई कर्मचारी से काम करवा सकते हैं, ना आप टीचर्स को स्कूल बुला सकते हैं। टीचर्स आपके आधे से ज़्यादा आज स्कूल में मौजूद नहीं हैं। आपके स्कूल के सारे क्लासेस में बच्चों की कॉपियाँ खाली हैं। ये तो अभी हम 2 क्लास में घुसे हैं। इन बच्चों को स्कूल क्यों बुलाते हैं? इनका टाइम पास करने के लिए पढ़ाते हैं डेली। नहीं तो बच्चों की कॉपियाँ कैसे खाली हैं? तो कल की कॉपी से थोड़ी खाली है। चलिए कोई और क्लास देखिए। ये आज की गंदगी है जो सारी जमी हुई है यहाँ पे। अपना घर तो सब बिल्कुल साफ सुथरा करके रखते हैं, और जिस स्कूल में गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लास में पढ़ाई हो रही है, क्लास में पढ़ाई नहीं हो रही है। आइए कोई और क्लासरूम देखते हैं। कौन सी गुड मॉर्निंग, फर्स्ट डे है। अच्छा, गुड मॉर्निंग। आप मुझे अपनी कॉपी दिखाओगे? ये कौन सी कॉपी, इसमें क्या कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो? आपकी कॉपी देख लूँ। मैथ्स की कॉपी है, एक ही कॉपी है। ये कॉपी दिखाओगे बच्चे? एक मिनट, और कोई कॉपी है कि यही है? हाँ, एक और दिखाओ वो साहब। और ये भी इस वाली को यूज़ करना है। यही है कोई और भी है? यही है। अच्छा, आप भी दिखाओ। खाली लीजिए। आस्था बेटा, अपनी कॉपी लेके आओ। और कॉपी है आपके पास? हाशिम है ये बेटा, ये और कॉपी है बेटा, इसके अलावा और कॉपी नहीं, कोई नहीं है बेटा। इसके अलावा और कोई कॉपी है? इसके अलावा कितने दिन हो गए स्कूल खुले? मैडम आइए, बाहर आइए। कहाँ है काम? हर बच्चे की कॉपी खाली है, हर क्लास में खाली है, एक एक कॉपी है हर बच्चे के पास और वो कॉपी खाली है। कर क्या रहे हैं आपके टीचर्स? आप क्या कर रही हैं? हर गंदगी देखिए, ये देखिए। आपने कभी देखी है ये सब? ये देखिए। और कोई आपकी बात नहीं सुनता? कोई आपकी बात नहीं सुनता? मैं ये मानूं क्या? तो आप रिज़ाइन कर दीजिए अपनी पोजीशन से। क्यों लेती हैं तनख्वाह? इन्हीं बच्चों के माता पिता टैक्स देते हैं, उनसे आपका भी घर चलता है, हमारा भी घर चलता है। देखिए, आप इस स्कूल को ठीक करिए। बताइए, ये तो महीनों से जमी हुई है गंदगी। ये कोई आज नहीं है कि आज आपका कोई सफाई कर्मचारी लेट आया है। मैंने लिख करके भी दे रखा है। दिखाइए क्या लिखा है आपने, दिखाइए। आपका कमरा तो बिल्कुल साफ है, ये तो बिल्कुल साफ सुथरा है डस्टबिन। ऐसा कैसे है? ऐसा कैसे है कि हर क्लासरूम में हम गए हैं, वहाँ पे डस्टबिन गंदा है, आपके कमरे में डस्टबिन साफ़ है? आपके कमरे में खिड़की साफ़ है, आपके कमरे में टेबल कुर्सी साफ़ है, बस बच्चों के उसमें गंदगी है। आपका डस्टबिन चमक रहा है। अगर सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहे होते तो आपका कमरा कैसे साफ़ है और वो गंदगी कैसे जम जाती है डस्टबिन पे? डस्टबिन तो ये भी गंदा ही है। आप अपने डस्टबिन आइए, ये बाकी तो डस्टबिन देखिए। क्या बात कर रही है मैडम, ऐसा ही वो भी दिखाइए। ऐसा ही वो डस्टबिन है, इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं दिख रहा आपको? बताइए, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है? मैम एक्चुअली ये भी वो थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं ना, कि ये यहाँ पे कोई बच्चा। देखिए मैडम, ये बात हो जाती है। हर क्लासरूम में ऐसा डस्टबिन है, सिर्फ आपके कमरे में डस्टबिन साफ है। मैम वो थोड़ा रूम में पड़ा हुआ है ना अंतर, तो इसलिए हर क्लासरूम में ऐसा है डस्टबिन। हाँ जी, इसका सिर्फ एक मतलब है कि आपको बच्चों की कोई चिंता नहीं है। मैं आपको एक हफ्ते का टाइम दे रही हूँ, मुझे कुछ नहीं देखना है। अगर टीचर्स मौजूद नहीं हुए, अगर स्कूल में गंदगी हुई, तो मैं तुरंत आपको सस्पेंड करूँगी। आपके पास एक हफ्ते का टाइम है इसको सुधारने के लिए।